अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी इमरान भाई के पास, और माशाल्लाह से दोस्तों इमरान भाई के पास फिर काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं अमृतसरी बीतल, इनकी तफसील पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह की रहमत। अच्छा इमरान भाई, इतने कोई फ़ोन आए मुझे कि यार इमरान भाई का नंबर दे दो, बच्चे चाहिए। असल में ना नंबर देने का इशू कोई नहीं है, लोग तंग बड़ा करते हैं। ऐसे ही है, नंबर मैं इस वीडियो में दे देता हूँ, लेकिन उसमें तंबीह ये होगी कि वीडियो तस्वीर नहीं भेजी जाएगी, जिसने बच्चा लेना है वो लाइव आके ले। दे दे नंबर फिर इमरान भाई। भाई चल, जिस तरह आप कहते हैं 0344 ठीक है 4555786, ये जी इमरान भाई का नंबर है। और इमरान भाई पिछली बार वाले बच्चे यानी हाथों हाथ चले गए, वो भी हाथों हाथ, आपकी वीडियो लगने की देर है, 2 घंटे के बाद मैं फायरिंग था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा इमरान भाई, अब हमें इन बच्चों के बारे में बताएं, पहले इस नागरे के बारे में बताएं, इसकी माशाल्लाह से एज कितनी होगी? और इसकी तकरीबन 5 माह के करीब तो है, 5 माह के करीब। बाकी कान शान इसके देख सकते हैं जी। अच्छा इमरान भाई, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से बच्चे जितने भी हैं ये बनने वाले हैं, खूबसूरत है। टांगे देख रहे हैं, टांगे बताएंगी। बिल्कुल टांगे देख सकते हैं, बनने की जो कहानी है वो टांगे बताएंगी जी। ये काला डब्बा देखें माशाल्लाह, कैसा लंबाई में कैसा, चेक करें जी झालर शालर इमरान भाई दिखा रहे हैं इसकी भी, ये देखें फेस ब्यूटी माशाल्लाह। तो इमरान भाई अब कितने बच्चे आए हैं आपके पास? अभी 7 आए थे। ठीक है, तो नहीं 8 आए थे, जिनमें से 2 बच्चे दे दिए। 2 बच्चे दे दिए, साथ ही मतलब गाड़ी से उतरते साथ ही दोस्त ले गया। ठीक है, एक जी आपको ये बच्चा दिखाया काला डब्बा, सबसे छोटे थे। ठीक है इमरान भाई, इसकी कितनी एज होगी? इसकी भी तकरीबन 6 माह के करीब है। इसकी 6 महीने के करीब, और इसकी आपने 5 महीने बताई है? आइडिया तो बता, ठीक है आइडिया सही जी। और ये इमरान भाई माशाल्लाह ये बड़ा हसीन बच्चा है, हाँ जी। कान शान देखें इसके। अच्छा इमरान भाई, ये वैसे ब्रीडिंग के हवाले से भी अच्छे बच्चे हैं? ये हर हवाले से अच्छे हैं, हर हवाले से अच्छे हैं। जो बच्चा भी अलग करके देख ले, हर बच्चे की टांग देखें कैसी है। बिल्कुल जी, अब इसका फेस देखें, टांगे चेक करें माशाल्लाह से, क्या बात है। और काले डब्बे ज्यादा बच्चे इस बार आए हुए हैं। अच्छा इमरान भाई, इसका तो माथा बड़ा जबरदस्त है, क्या बात। अच्छा इमरान भाई, पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहता है? आवाम खुद आपके पास आती है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक, असल में हम थोड़े से मुनाफे भी दे देते हैं। अच्छा, ये नहीं कि 20 का लाएं और ये 50 का बिकेगा ही तो देना है। अच्छा, मुनाफा मिला दे दिया। ठीक, लेकिन इमरान भाई जो चीज़ मजे की है, बच्चे क्वालिटी वाइज अच्छे लाए हुए हैं। अब इस बच्चे को चेक करें जी, जी जी निकालें निकालें, आपको दिखाता हूँ ये भी। बाकी इसको देखें जी, इसकी स्किन पे भी शाइन देख लें। बच्चे ज़्यादातर काले काले डब्बे हैं, ये वाला काला डब्बा देखें, ये देखें काला, वो काला डब्बा देखें, और इसको भी चेक कर सकते हैं जी आप सभी। अच्छा इमरान भाई, ये पिछली वीडियो में बस ये शेरा था ना, ये एक दोस्त ने रुकवाया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये रुकवाया हुआ है, ये एक दोस्त ने रुकवाया हुआ है, गले थोड़ी देर रखें। ठीक, यानी इसके बयाना शेना आ गया हुआ है? कुछ भी नहीं आया हुआ। ठीक, लेकिन अगर कोई भाई लेना चाहे तो इसका भी ये भी दे देंगे। ठीक है, ये इजाजत है कि अगर आपका बिके तो बेच लें, नहीं तो मेरे लिए रोक छोड़ें। ये चेक कर लें जी। और ये सबसे बड़ा शेरा था ना इमरान भाई पिछले बच्चों में? नहीं, हाइट वाइज जो दूसरा था। अच्छा, जो मुझे भी, हाँ जी हाँ जी, एक और शेरा था ना जी जी, जो मुझे पसंद था, हाँ जी, वो हमारे एक दोस्त है मलिक शहजाद साहब। अच्छा, उन्हें पसंद आ गया तो उधर भेज दिया, नहीं तो वो आपके पास रुकना था, वो अपनी छत था वो भी। जबरदस्त। अच्छा बाकी बच्चों के पास लेंथ चेक करें जी, इसकी लेंथ माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा इमरान भाई, अब ये जो बच्चे हैं ये ब्रीडिंग के लिए भी अच्छे हैं, फ्यूचर में पलाइयों के लिए भी अच्छे होंगे? बिल्कुल ऐसे ही। तो इमरान भाई, इनके अंदर ब्लड भी अच्छा है? ब्लड मेरे से तो लिए। ठीक ठीक, इमरान भाई नए देखने वालों को बताएं, अब जैसे ये बच्चा है देखें कैसे खड़ी टांग है, बिल्कुल अगली पिछली टांगे देखें, दोनों में वाया कितना है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा वाया। स्टाइल देखें, ये बच्चे होते हैं ज्यादा कद और लेंथ भी बड़ी ज्यादा है अभी से, अभी ज्यादा है इसकी जी माशाल्लाह से। इस बच्चे को भी चेक करें जी, बड़ी ज्यादा लेंथ है इसके पास भी, और बड़ा खूबसूरत बच्चा है ये भी, क्या बात है। अच्छा इमरान भाई, पिछली बार जो भाई आए थे वो खुद ही जानवर लेके गए थे, कार्गो वाला कोई सीन नहीं है? ठीक ठीक ठीक। अच्छा इमरान भाई, ऐसे बच्चों को कितना मंडा जाना चाहिए, दूध कितना जाना चाहिए, इस हवाले से भी बताएं, मैक्सिमम ग्रोथ कैसे ले सकता है बंदा? मैक्सिमम ग्रोथ के लिए आपको दूध भी देना पड़ेगा। ठीक है, जानवर पी लेता है बोतल से, बिल्कुल बोतल के, उसमें डर क्या होता है, अथरू वगैरह का? हाँ, अथरू ड्रिंचिंग। ठीक है, क्योंकि अनाड़ी बंदा सबसे ज्यादा ड्रिंचिंग कराता है। ऐसे ही है, अब ऐसे बच्चों को इमरान भी 1-1.5 किलो दूध चले जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, और तकरीबन 1 किलो ही बंडा नॉर्मल। अच्छा, ताकतवर बंडा नहीं।
तो इमरान भी अभी जैसा मौसम चल रहा है तो वरना इन्हें गीला भी देना चाहिए। मैं तो सूखा ही देता हूँ, बकरे को सूखा देना चाहिए। ठीक है, यानी हब्स के मौसम में भी गीला ना दो। ना, पानी वैसे आप पास रखते हैं जितना मर्जी पिए। तो इमरान भी ऐसे मौसम में पानी के अंदर ग्लूकोज भी डाल के देना चाहिए। दे दे, अच्छी चीज है। ठीक, बाकी चेक कर सकते हैं जी बच्चे। अच्छा इमरान भाई, इनका बताइए अब ये जिस एज में है इनकी डिवॉर्मिंग वगैरह इस एज में हो जानी चाहिए। पिछली दफा जो बच्चे आए थे वो सबको गाइड, जो बंदे मतलब अननोन थे जिनको नई चीज़ों का पता, उनको समझा के भेजा। ठीक है, तो अभी ये कल के आए हुए हैं, अभी तो सारे थकावट में है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो कोशिश करेंगे कि इनकी डिवॉर्मिंग कल कर दें। ठीक है, ये अपने पास रुक गया ना, इसकी कम हमने कर दी है माशाल्लाह। अच्छा इसकी कर दी है, चेक करें जी, इसका भी माथा देखें, सींग देखें और चेक करें, माशाल्लाह हर लिहाज से राजी है। तो ये भी वैसे चाहिए हो किसी को तो इमरान भाई से मिल जाएगा, लेकिन खूबसूरती देखें। बाकी बच्चे देखें जी माशाल्लाह इकट्ठे हुए हैं सारे। अच्छा इमरान भाई, इस एज में वैसे आइवरमेक्टिन भी लग जाता है ना बच्चों को? वो लगाएंगे, पिछले सब बच्चों को मैंने लगा दिया था। ठीक है, अच्छा इमरान भाई मैंने जो देखा है ना, जो जानवर ग्रोथ नहीं करते उसकी बेसिक वजह जितने मर्जी बड़े माँ बाप क्यों ना हो, जानवर पेट छोड़ जाते हैं। पेट, ये देखिए बच्चे इधर आए, वो पेट छोड़ा हुआ, उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो एंड वाला, ऊंचे माथे वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं जी इमरान भाई, किसने हल्का सा पेट छोड़ा हुआ है। तो इमरान भाई जिस जानवर ने पेट छोड़ा हो उसका क्या हाल है? ठीक, बाकी माशाल्लाह चेक करें जी बच्चों को, सींग देखें इनके, कलर खूबसूरती देखें, शाइन। तो इमरान भाई मैं एक चीज देख रहा हूँ, बच्चे सारी बारीक हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में किस हद तक सदाकत है कि बारीक बच्चे ही बनते हैं? बारीक बच्चे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ग्रोथ वाइज भी, हार्डनेस वाइज भी, इनको ऑपरेटिंग पर्पस में बड़ा अच्छा चलेगा। बिल्कुल, अब देखें ना ये कितना वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा बारीक बच्चा है, और ये देखें जी माशाल्लाह स्किन चेक करें इनकी, बड़ी बारीक स्किन है, इसको देखें। ठीक, अच्छा इमरान भाई अभी ये जो मौसम चल रहा है गंदा मौसम है, इसमें तेल देना चाहिए? नहीं, इसमें तेल नहीं, और ऑयली कोई भी चीज़ नहीं, मक्खन भी नहीं, तो नहीं देता, कोई देता तो। तो ये कब से सीजन शुरू होगा? ये जब ये हब्स खत्म हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, फिर मौसम के लिहाज से, जानवर की तबीयत से, तबीयत के लिहाज से तेल देंगे। ठीक, किसको वो मानता है। तो इमरान भी इन बच्चों को तो 10-10 cc जाना चाहिए ना बस? बिल्कुल ऐसा ही, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। ये देखें जी माशाल्लाह सींग देखें, क्या बात है, बड़े बड़े साफ़ सुथरे बच्चे हैं जी। और आप सभी आ सकते हैं, आप गूगल लोकेशन पे लिखेंगे मियां इमरान LPG तो इमरान भाई की लोकेशन आ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह, मेरी कोशिश है आपको अच्छे तरीके से बच्चे दिखाऊं। ये देखें, ये ऊंचे माथे वाला बच्चा था जी। अच्छा बाकी इमरान भाई मैं देख रहा हूँ जंतर आपने कुतरा हुआ है सारा, तो उसकी क्या वजह है? ज़ाया नहीं होता, गंद नहीं डलता, वैसे वो टहनियाँ लंबी लंबी बच जाती हैं। लंबी लंबी ज़ाया होती हैं। ठीक है, ज़ाया कर देते हैं ऐसे ही है, पहले छत पे टहनियाँ लाए फिर फेंकने जाए वो डबल मेहनत हो जाती है, ऐसे ही है। बाकी थोड़ा कर दिया, खाने में भी आसानी है। बिल्कुल, बाकी चेक करें जी माशाल्लाह से, ये शेरे को देखें, ये नागरा बच्चा है, इसको देखें, इस काले को देखें, ये वाले बच्चे को देखें, सींग देखें जी इसके माशाल्लाह से। ये काला भी है और ब्राउन शेड भी देता है। अच्छा, ये जिसका मैं बता रहा था पेड़ निकला हुआ। जी 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 जी, इसको भी चेक करें जी माशाल्लाह से, बच्चे इमरान भाई माशाल्लाह से काफ़ी। इमरान भाई अब आपके पास आते रहेंगे बच्चे? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। ठीक ठीक ठीक, तो इमरान भाई कोई आउट ऑफ सिटी जो बंदे होते हैं जो नहीं आ सकते उनके लिए क्या हल है? यार मैं कार्गो से बड़ा चालू हूँ। ठीक है, मैंने जिंदगी में एक दफ़ा कार्गो किया, दोस्त हैं आपके भी दोस्त हैं। हाँ जी साहब, हाँ जी, उनको टाटा कार्गो कर रहे गया, डेढ़ घंटा जमीन वाला भी है। बसों वाले बड़ा तंग करते हैं यानी, और आप ऐसे जॉब यानी शॉप पे होते हैं अपनी तो जाना मुश्किल होता है। ठीक ठीक, अच्छा इमरान भाई अब ये जितने भी बच्चे हैं ये रेंज वाइज ये दरमियानी रेंज वाले हैं कि एक्सपेंसिव? ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंज वाले भी हैं, दरमियानी वाले भी हैं। ठीक है, माशाल्लाह, यानी आइडिया वो कॉल पे ही होगा आपसे? कॉल पे कोई आइडिया नहीं, लाइव आना पड़ेगा। अच्छा कॉल पे कुछ भी नहीं? कॉल पे कुछ नहीं, आपके पुरजोर स्टार पे मैंने नंबर दे दिया। अच्छा, अल्लाह खैर करे, और लोग कमेंट सेक्शन भर देते हैं ना नंबर चाहिए इमरान भाई का। ठीक ठीक ठीक, यानी आना पड़ना ही है ना, इसकी चैनल दिखाएं जरा। बिल्कुल, अभी से चैनल है इसके पास, ऐसे ही है और सबके पास
किसके पास थोड़ी है, किसी के पास कान, किसी के पास कान ज्यादा लगे हुए हैं, किसी के सींग, माशाल्लाह जानवर सारी अच्छे बनने वाले हैं। ये बच्चे में भी बड़ी खूबसूरती है, इस हर जानवर अपने हिसाब में एक यूनिक एनिमल है जी। बाकी ये शेरे का, अच्छा इमरान भाई शेरों में तो अट्रैक्शन ही लैदा होती है, बिल्कुल अच्छा। ये सब ना ये रुला पड़ा है शेरा, अच्छा तो ये दोदा हो गया हुआ है जिसकी वजह से ये कम पसंद किया जा रहा है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये पसंद है क्योंकि इसलिए जानवर की जो पिछली कमी होती है ना, जब उसको अच्छी टेक केयर मिले तो वो पिछली कमी पूरी हो जाती है। ठीक, तो इमरान भाई अभी बस इसकी हाइट कितनी होगी, पिछली वीडियो में इस पे देखने वाले जो इस पे कंपेयर कर लेंगे, हाँ जी 8-10 दिन में कितना डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा बदला हुआ है, बहुत ज्यादा बदला हुआ, लेंथ भी बड़ी ज्यादा है। इमरान भाई ये वैसे अच्छी हाइट लेंथ कर जाएगा काफी, फ्रेश दो दांत हुआ। इमरान भाई इसकी हाइट कितनी होगी अंदाजन, फोर्टी के करीब होनी चाहिए, लेकिन इमरान भाई बकरा ही अच्छा खूबसूरत बन जाएगा। बाकी ये भी जी माशाल्लाह अभी आई है, कल रात को इमरान भाई के पास गालबन बच्चे आए हैं सारे, ठीक। तो इमरान भाई शॉप के साथ ये चीजें मैनेज करना मुश्किल तो नहीं होता, क्योंकि सब कुछ खुद ही करते हैं आप? इमरान भाई वैसे माशाल्लाह आप लाहौर के जो शौकीन हैं उनमें बहुत अल्लाह ताला ने आपको रुतबा था कि आपके तो यानी फॉलोअर्स बड़े ज्यादा बन गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जो नए शौकीन जो मुझे चीज समझ आ रही है कि जो कोई बंदा आया उसे आप इखलाक से पेश आएंगे तो आपकी इज्जत होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपके पास लोग आते हैं, आप हालांकि शॉप पे बिजी होते हैं लेकिन टाइम देते हैं, अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक। इमरान भाई एंड पे शौकीनों को कोई अच्छा सा पैगाम दें, अच्छा सा पैगाम, अच्छा शॉप करें, अच्छे अच्छे जानवर लें, ठीक है, और किसी फ्राडी में थे ना चले। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को इमरान भाई के शौक की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।